नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। धर्म के नाम पर भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, न जाने कितने लोगों का खून बहा, लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और अलग होते ही पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान ने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया और वो धर्म निरपेक्ष ही बना रहा। अब आलम यह है कि भारत में हर धर्म के लोगों को आसानी से रहने की छूट है, ना तो यहाँ किसी और धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और ना ही उन्हें गुलाम बनाकर अनेक तरह के जख्म दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं का रहना आसान नहीं है। वहाँ आज भी कुछ एक जातियों के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें सामाजिक सम्मान भी प्राप्त नहीं होता। ये जो कुछ एक जातियां हैं, उनमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जयंतिया, खासी और गारो धर्म के लोग शामिल हैं। ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि एक अमन राणा नाम के शख्स ने भारत में निवास प्रमाण पत्र न मिलने पर मेघालय हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में मेघालय हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते हुए उनसे संसद में एक ऐसा कानून लाने की सिफारिश की है जिससे पड़ोसी देश से आने वाली इन जातियों के लोगों को भारत में घुसते ही नागरिकता दे देने का प्रावधान हो। जज सेन ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है कि वो किसी भी कीमत पर भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे। जज ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। केंद्र के सहायक सॉलिसिटर जनरल ए पॉल को फैसले की प्रति देते हुए प्रधानमंत्री गृह मंत्री से प्रति का अवलोकन करने और इन समुदायों के हितों की रक्षा के खातिर कानून लाने को लेकर जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। बता दें कि साल 2016 में संशोधित नागरिकता विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग 6 साल भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता के हकदार हो जाते हैं। लेकिन 37 पेज के हाईकोर्ट के इस फैसले में इस विधेयक का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है।